हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल रसोई मील। आज की मेरी रेसिपी है बनाना चिप्स। इसको घर पर बनाना बहुत इजी होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम कच्चे केले लिए हैं। इसमें पहले हमने ये चाकू से ऐसे निशान लगा दिया है जिससे छीलने में आसानी होगी। अब हमने ऊपर नीचे की डंठल को हटा दिया है। इसका हमें ऊपर वाला हरा ही छिलका छीलना है। ये देखिए, इसको ऐसे छील लेंगे। अब हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डाल के चढ़ा दिया है। ये जब तक गर्म होगा तब तक हम एक केले के चिप्स बना लेते हैं। यहाँ पर हमें एक एक केले के चिप्स फ्राई करेंगे। सारे केले के चिप्स ऐसे ही चिप्स बना के रखेंगे तो चिप्स काले हो जाएंगे। ये देखिए, हमने एक केले के चिप्स निकाले थे, इसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। अब हमने यहाँ पर एक कटोरी में आधा कप पानी लिया है। इसमें हम आधा चम्मच नमक मिला लेंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये एक चम्मच पानी हम कढ़ाई में डालेंगे। ये देखिए, अपने हाथों को बचाते हुए डालना है, कोई तेल की छिट्टे हाथ में नहीं पड़े। ये नमक हमने इसलिए डाला है, नमक डालने से ऑयल का टेम्परेचर जो है ये अपने आप कम ज़्यादा होता रहेगा और केले में नमक भी हो जाएगा, क्योंकि केले में ऊपर से नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो केले मुलायम हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे इसकी घड़घड़ाहट बंद हो जाएगी हम इसके केले के चिप्स निकाल लेंगे। ये कुरकुरे हो गए हैं। इसको ऐसे छन्नी में करके निकाल लिया है, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है। ऐसे ही दूसरे केले के चिप्स डाल दिए हैं। इसमें भी फिर से एक चम्मच नमक पानी डाल देते हैं। अब आपको लंबे केले के चिप्स दिखाते हैं। ये देखिए, ये लंबे केले के चिप्स हो गए हैं। इसको बनाने के लिए केले को थोड़ा सा टेढ़ा कट के कट करना है। ये देखिए, केले के लंबे चिप्स। अब इसको भी कढ़ाई में डाल देंगे। यहाँ पर हमको फ्लेम को हाई ही रखना है। अगर आपको लगे फ्लेम ज़्यादा, कढ़ाई ज़्यादा तेज़ हो गई है तो मीडियम कर दें। इसमें भी हम एक चम्मच नमक का पानी डालेंगे। केले को हमें ऑयल की घड़घड़ाहट जैसे ही बंद हो जाएगी वैसे ही हम केले को चिप्स को निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे चिप्स सारे रेडी हो गए हैं। चिप्स को और चटपटा बनाने के लिए यहाँ हमने थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला मिला दिया है।
ये देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई करना और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना ये रेसिपी कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।